बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम एक और मज़ेदार सी सब्ज़ी के साथ हाज़िर हैं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स अचारी सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने आयल रख लिया है, ये देखें तकरीबन एक कप के बराबर मैंने आयल रखा है। सब्ज़ी में थोड़ा सा आयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है और फ्राई भी हो जाती है वो। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये 4 से 5 कोरी मिर्चें, साबुत मिर्चें। फिर इसमें जाएगा सौंफ, कलमंजी, ये राई और ये साबुत मेथी दाना। ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई। अच्छा, सौंफ मैंने लिए 1 चम्मच, कलमंजी मैंने लिए वो भी 1 टीस्पून और मेथी दाना मैंने 1/4 चम्मच लिए और राई दाना भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इन सबको हमने कर देने हैं अच्छे से फ्राई। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम अपनी दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। अब इसमें खुशबू आने लग गई, ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि ये जल्दी सुरख हो जाता है। प्याज मैंने लिए हैं 2 छोटी बारीक काट के। अच्छा, प्याज को हम ज़्यादा सुरख नहीं करेंगे। अब हमने डालना है इसमें गाजर और आलू जो हमने काटे हैं, ये अब हम इनको कर लेंगे इसके साथ फ्राई। प्याज के साथ ही हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। आज मेरा गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सस्ती है आवाज़ वैसे भी मेरी स्लो होती है, आज की और ज़्यादा स्लो हो गई। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। अच्छा, ये मैंने लहसुन बारीक काट लिया, इसको भी हम इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कर दिया करें। इससे हमारा भी फायदा होगा और दूसरों का भी। चम्मच हमने साथ चलाते रहने। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़े से फ्राई हुए हैं, तकरीबन कुल 3 से 4 मिनट हुए। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन जो कि हमने चकोर काटे हुए थे, उनको भी हम फ्राई करने के लिए साथ ही डाल देंगे। बाकी की जो मेरे पास सब्जी है वो एक शिमला में, तो वो थोड़ा आखिर में डालेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा गल ना जाए, क्योंकि गाजर और आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी। तो इसको आपने पहले भिगो के रख लेना है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह होती है तो नीचे बैठ जाए। कभी भी इसको सूखी इस्तेमाल नहीं करें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके नीचे कितनी मिट्टी होगी।
तो इसको छान के ना इसमें डाल देते हैं। देखते हैं इसके नीचे आपको मिट्टी वगैरह थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी। जी अब आसानी से नजर आ जाएगी, क्योंकि जब इसको सुखाते हैं तो वो जाहिर है मिट्टी वगैरह उड़ के लगती है। उन्हें इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे से भिगो के रख लेना है ताकि सारी मिट्टी वगैरह इसमें से निकल जाए। चलिए अब हम इसमें डालेंगे, ये फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो कि बारीक काट के हमने रखे हुए। अब इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। ये आपकी स्पून जाएगी हल्दी, यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये और ये 2 टीस्पून जाएंगे इसमें लाल कसूरी मिर्चें और नमक आपस में जायका लें। मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। अब हमने इसको कर लेना है मिक्स अच्छे से, सारा मसाला इसके साथ अच्छे से पक जाए। पानी हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या करना है, 3 चम्मच डालने हैं दही के, भर भर के डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने कर लेनी है आग स्लो और इसको रख देने हमने दम पे। दम पे रखने से पहले हमने इसमें 1 चीज और डालनी है जो कि है धनिया। ऐसे हाथ से क्रश करके डाल देते हैं, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि आलूओं में और गाजर में जो कसर रहेगी वो गल जाए और बाकी की चीज़ें भी अच्छे से गल भी जाएं और उनमें मसाला भी मिक्स हो जाए। ये 10 मिनट हो गए, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। दम पे रखे हुए ये 10 मिनट में ये देखें आलू बिल्कुल गल गए, ऐसे ही गाजर भी, गाजर भी बिल्कुल गल गए। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे 1 चम्मच चिकन पाउडर और इसको मिक्स करके हमने डिश आउट कर देना है। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।